वीडियो को वायरल करने के लिए शुक्रिया। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मिस्टर अकाउंट व्लॉग्स। और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है, मतलब यूट्यूब में तो उतना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ, बट ऑल ओवर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वायरल हो चुका है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और अभी शायद श्रीलंका में टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो वीडियो वायरल होने का रीज़न, स्क्रिप्टेड वीडियो, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ चल रहा है। तो लास्ट दो तीन दिन से ना वीडियो नहीं आ रहे हैं, रीज़न बिंग कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, स्ट्रेस में हूँ। और क्यों हूँ, इसलिए हूँ कि एक तो नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ इग्नोर करने का, बट वो सामने आ ही जाता है, उसको मैं क्या कोई भी नहीं रोक सकता। तो वीडियो वायरल कैसे हो गया, मतलब वीडियो मैंने अपलोड किया था 29th को और 6 दिन बाद ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा। तो फेसबुक में एक लड़की है जिसने इस वीडियो को शेयर किया था, मतलब यूट्यूब का एक छोटा सा पोर्शन उसने शेयर किया था। तो शेयर करने के बाद शायद वो 2-3 घंटे में ऑल ओवर इंडिया में वायरल हो गया। एंड किसने वायरल किया, उसका नाम है पारोमिता, एंड मैं उसका फ़ोटो यहाँ पे दे रहा हूँ एंड उसका इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी यहाँ पे दे रहा हूँ। आप लोग जाके उसको फॉलो कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि 3 साल में ना कभी मेरा कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ था, लेकिन शी केम एंड शी मेड दैट वीडियो वायरल। आई हैड अ कन्वर्सेशन विथ हर एंड फिर मेरे को पता चला कि उसने मेरा यूट्यूब का वीडियो देखा ही नहीं था, उसने बस रैंडमली, मतलब उसको व्हाट्सएप में कहीं से मिला था तो उसने वीडियो शेयर किया था, तो वहीं से ये चलने लग गया, ट्रेंडिंग पे आ गया। प्रमिता के पोस्ट के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक में मीम पेजेस, फेसबुक पेजेस, ग्रुप्स, जितने भी सारे थे सब कोई शेयर करने लग गए, ठीक है। और ये चलता गया और अभी भी नहीं रुक रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इट्स स्टिल गोइंग ऑन, मतलब ये जा ही रहा है, वायरल हो ही रहा है। मैं क्या करूँ, मतलब इतना लेट हो चुका हूँ। अरे सिद्धो, अरे गणेश, हमें गणेश भाई, अरे पहचान नहीं रहे हो? अरे हम साला एक साथ पढ़े हैं यार, याद है हमने तुम्हारे जन्मदिन पे क्या गाना गाया था? इश्क कमीना, मुश्किल कर दे जीना, पागल लगता है। तो जैसे मैंने बोला कि मैं अपसेट हूँ, अपसेट इस बात से हूँ कि लोग आते हैं और कमेंट करते हैं यूट्यूब के वीडियो पे कि ये स्क्रिप्टेड है, गाली देते हैं लोग। मतलब मेरे को शायद ज़िंदगी में इतना सारा गाली सुनने को नहीं मिला है जो मेरे को 3 दिन में मिल गया गाली सुनने को। तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि आपको लग सकता होगा कि ये स्क्रिप्टेड है, तो वो आपके ऊपर है, मैं उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना चुका हूँ और उसके बाद अभी मेरे को लगता है कि मैं एक्सप्लेनेशन दे के भी क्या फ़ायदा है। अगर आपको लग रहा है स्क्रिप्टेड है तो स्क्रिप्टेड है, अगर नहीं लग रहा है स्क्रिप्टेड है तो स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। और जो लोग कमेंट कर रहे हो कि स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं भी उन लोगों को भी नहीं रोकना चाहता, आप लोग को जो लिखना है आप लोग लिख सकते हो। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक चीज़ है जो कि निखिल सर ने दिया था, निखिल सर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये चीज़ शेयर किया था, तो थैंक यू निखिल सर। तो उन्होंने ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और ह्यूमर के तरीके से दिया था कि इफ़ इट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड देन दिस गाय शुड स्टॉप राइडिंग। तो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। तो ये सब के बीच में देर आर लॉट ऑफ पीपल हु केम अप टू मी ओवर इंस्टाग्राम, ओवर फेसबुक, ओवर यूट्यूब एज वेल। तो वो लोग मेरे पास आए, दे सेड कि मैं कैसा हूँ, ठीक हूँ कि नहीं, बाइक कैसा, ऑल दैट। तो उस बीच में मेरे को सपोर्ट मिला SBK व्लॉग से, तो उन्होंने भी मेरे को मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने पहला चीज़ जो बोला कि तुम अपसेट मत होना, क्योंकि तुमको पता है, ऊपर वाले को पता है क्या हुआ है, और लोगों को, उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू से मत हटाओ, क्योंकि वो लोग जो उन लोगों को सही लगता है वही बोलेंगे। और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग बात बात पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग बात बात पे गाली देते हैं। तो पता नहीं, मतलब ये थोड़ा हुआ, और उसके बाद आज सुबह जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो ये भाई का वीडियो मेरे को मिला, तो उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट किया था एंड ही मेड अ वीडियो शेयरिंग हिज रिएक्शन। इस भाई ने एक और वीडियो डाली एक्सप्लेनिंग की वीडियो स्क्रिप्टेड थी या नहीं थी। तो जो मेरे को लगता है भाई, पूरी सिनेरियो देखने के बाद आई डोंट फील कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड हो सकती है। ये मेरा ओपिनियन है, आपका शायद ना हो या किसी का डिफरेंस हो सकता है। शाबाश बेटा, बहुत। उसका रीज़न ये है यार कि भाई के सब्सक्राइबर्स अभी ग्रोइंग है, तब वो 2500 पे था, और इतना बड़ा रिस्क, मतलब ट्रस्ट मी यार, बाइक पानी में गई, GoPro पानी में गया, वो पानी में गया। आई डोंट थिंक यार कि कोई भी
यंग यूट्यूबर है, नया यूट्यूबर इतना बड़ा रिस्क लेगा जस्ट टू गेट व्यूज। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो कि अपनी वो लाइफ खतरे में डालेगा, बाइक खतरे में डालेगा और भाई गैजेट्स भी तो आपके जा सकते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है यार, मैं अपने आप को भी रख के देखता हूँ, मैंने अपने दोस्तों से भी बात करी और मेरे को नहीं लगता यार कि ये इतना बड़ा कोई स्क्रिप्ट रिस्क लेगा। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप बताना यार कि स्टिल यू फील कि इतना बड़ा रिस्क कोई लेगा एक छोटी सी वीडियो के लिए जिसमें बाइक भी पानी में, बंदा भी पानी में और गैजेट्स भी पानी में। ये मेरा ओपिनियन है भाई, मैंने पूरी इसकी वीडियो देखी, दो वीडियो डाली है इसने, नंबर वन वीडियो जिसमें ये सीन हुआ है, नंबर टू उसने एक्सप्लेन करा कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ये रैंडमली हो गया अचानक से कि स्कूटी वाला आया और गिरा, राइट। एक और चीज भाई ने मेंशन करी है सेकंड वीडियो में जो हम बहुत लोग भूल जाते हैं, चलो मैं मानता हूँ 50% जनता कहती है स्क्रिप्टेड है, 50% कह रही है नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ कि नहीं स्क्रिप्टेड है, इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेगा, बट ही मैंशन अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज मेंटल हेल्थ, जो हम भूल जाते हैं यार। एक तरफ हम कहते हैं कि चलो ठीक है जो उसकी लाइफ में करने तो हमको क्या लेना है, बट अगर कोई समझो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर इसने स्क्रिप्टेड वीडियो बनाई है, मैं कह रहा हूँ बना दी, उसकी वीडियो वायरल हो गई, इसको बेनिफिट हो गया, तो हम इतना क्यों यार, मतलब हम क्या, कुछ लोग इतना सड़ जाते हैं, जल जाते हैं कि दे स्टार्ट पोस्टिंग नेगेटिव कमेंट्स, पूरी गिराने की कोशिश होती है, ऐसे होता क्या है, अगले की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। एक्शन की कैसे ये चीज़ है और क्यों ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, तो थैंक यू सो मच भाई सपोर्ट करने के लिए। एंड उसके बाद मेरे पास एक और लिंक आया तो मैं यहाँ पे स्क्रीन में दे रहा हूँ, सारे वीडियो के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, तो जाके इन लोगों को भी सपोर्ट करना। और ये एक्चुअली एक रोस्ट काइंड ऑफ मेरे को लगा कि ये है, तो उन्होंने डिकोड करने का कोशिश किया है कि ये इज़ इट स्क्रिप्टेड और नॉट, तो ये सब चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर लॉट ऑफ मीम पेजेस, मतलब मैं ऐसा भी देखा कि मेरे कॉन्टेंट के लिए ना छोटा छोटा मीम पेजेस जो लोग हैं उन लोगों को बूमिंग ग्रोथ मिल गया। हाँ, फेसबुक में बहुत सारे पेजेस थे जिन लोगों का ग्रोथ हो रहा है, और आरवीसीजे मीडिया भी शेयर किया था, तो मैं यहाँ पे वीडियो प्ले कर दूंगा। यहीं पे है, मतलब वहाँ पे तालाब पे उस साइड में वेट कर रहे हैं, और मैं क्या करूँ, मतलब इतना लेट हो चुका हूँ। नॉट ओनली दैट, मतलब इस बीच में ना मेरे को यही लगा कि मेरे कंटेंट से किसी को हेल्प हो रहा है, मतलब छोटे छोटे मीम पेजेस है ना, दे बी लाइक भैया आपके कंटेंट से मेरे को एक साल में इतने फॉलोअर्स नहीं मिले जितने एक घंटे में मिल गए। लोग यही वाला वीडियो देख के बोल रहे हैं कि तेरे को बाइक चलाना नहीं आता है, तू क्या व्लॉगर बनेगा, क्या ये बनेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो सिक्किम सीरीज़ है आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो सिक्किम सीरीज़ देख लेना, वो जो कंटेंट स्ट्रक्चर है उसको देख लेना, उसके बाद आके आप मेरे वीडियो पे कमेंट करो कि तेरे को बाइक चलाना नहीं आता है, तब मैं समझ लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन एक ही वीडियो देख के ना किसी को जज कर देना वो सही बात नहीं होता, जो मेरे को लगता है, क्योंकि मैं भी अगर किसी का वीडियो देखता हूँ मुझे लगता है कि ये गलत है तो मैं कमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव कमेंट नहीं कर सकता मैं नेगेटिव कमेंट भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ अ कंसर्न फॉर मी। सिक्किम वाला जो एपिसोड्स है या जो भी मेरे वीडियोज़ है, लास्ट 3 साल में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, मैंने कभी कभी डेली व्लॉग्स भी किया है, इससे पहले भी मैं डेली व्लॉग्स ही कर रहा था, लेकिन इस बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया कि मैं वीडियो नहीं बनाया। तो जितने भी सारे मेरे वीडियोस हैं आप जो जाके एक बार देख सकते हो, देख के मेरे ऊपर कमेंट्स कर सकते हो कि तेरे को बाइक चलाना नहीं आता, तू क्या व्लॉगर बनेगा, आप लोग वो वाला वीडियोस देख लो, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप हेटर बन के आए थे और मेरे को प्यार देते हुए जाओगे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको लगता है कि स्क्रिप्टेड है तो स्क्रिप्टेड है, अगर आपको लगता है कि स्क्रिप्टेड नहीं है तो स्क्रिप्टेड नहीं है, और वीडियो ज़रूर देख लेना, सिक्किम सीरीज़ का वीडियो ज़रूर देख लेना, शायद से आपको अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए मेरे पेज पे, आए मेरे को सपोर्ट किए, और जो लोग मेरे को सोशली सपोर्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे मेरे को सपोर्ट दे रहे हैं या भी रोस्ट भी बना रहे हैं, थैंक यू सो मच, क्योंकि रोस्ट एक अलग चीज़ है, सपोर्ट करना, पॉजिटिविटी शेयर करना एक अलग चीज़ है, तो जो लोग रोस्ट कर रहे हो थैंक यू, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लग रहा है वो वीडियो देख के कि ऐसा ऐसा आप लोगों ने बोला, तो दैट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फनी वे। और जो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो ऑन स्क्रीन, थैंक यू सो मच। एंड इंस्टाग्राम पे जो लोग आए सपोर्ट किए, मैं थैंक यू ही बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और जो लोग हेट कर रहे हो, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो, उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, भाई मैं एक छोटा सा चैनल, जब मैं वीडियो अपलोड किया था तब मेरा सब्सक्राइबर था 2560, और 2560 में इफ़ यू आर अ यूट्यूबर यू विल नो कि यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता, ठीक है,
एक थ्रेशोल्ड रहता है कि अगर आपका $100 होगा तब जाके आपको पैसा मिलेगा। तो 2560 ये सब्सक्राइबर जब मैं पहुंचा और मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ था दिसंबर में, मेरे बर्थडे के पहले लास्ट ईयर, तो तब से आज तक जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें कुछ कुछ वीडियोस पे मोनेटाइजेशन मैंने ऑन रखा है, कहीं पे मैंने ऑफ रखा है। तो लोग जो बोल रहे हो ना कि पैसा कमाने के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए, छोटा सा चैनल के ऊपर मैं अपना ज़िंदगी का रिस्क लेके बाइक को डुबो के, मेरे को बाइक वहाँ पर रखा हुआ है साइड में, तो बाइक को डुबो के पता नहीं अभी शायद से 35-40,000 का खर्चा आएगा, मैं क्यों करूँगा ये चीज़? आप लोगों ने ये चीज़ कभी नहीं सोचा। 3 साल का चैनल है, लोग सोच रहे कि नया चैनल है, हिट होने के लिए ऐसा कर रहा है। पहले चैनल देख लो आप एक बार, चैनल का जो पुराना वीडियोज़ है, क्या क्या वीडियोज़ मैंने डाले हैं, मैंने डिप्रेशन के ऊपर बात किया है, मैंने ब्रांड प्रमोशंस किया है फ्री पे, मतलब मैं कोई भी ब्रांड का बाइक प्रमोट करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं कभी कहीं से भी पैसा नहीं लेता, और जिसके लिए मेरे को कंपनी बुलाते हैं कि तू प्रमोट कर दे, तो ये मैं करता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देखोगे, मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा सिक्किम वाला वीडियोस देख लो, प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो देख लो, शायद से आपको लगेगा कि ये बंदा जेन्युइन है, ये जेन्युइन कंटेंट बनाता है, अच्छा कंटेंट बनाता है, और शायद से आप लोगों का जो हेट है, जो नफरत है मेरे तरफ, वो बदल के प्यार हो जाए, आप मेरे से प्यार करने लगो। यही बात है, मैं कभी किसी को हेट नहीं देता, और जो लोग मेरे को हेट देते हैं मैं उन लोगों को भी हेट नहीं देता। तो यही है, अगर आप लोग देख रहे हो एक्सीडेंट वाला वीडियो के बाद, अगर अभी ये वीडियो देख रहे हो, जो लोग वहाँ पे कमेंट करके आए हो स्क्रिप्टेड, यहाँ पे लिख देना, पता नहीं क्या लिखोगे, मतलब आपके ऊपर। तो आप लोगों से मुझे कोई नफरत नहीं है, थैंक यू सो मच आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों को लगा कि ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन सबसे बड़ा बात तो ये है कि इस कोरोना के सिचुएशन में ऑल ओवर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जहाँ जहाँ भी ये वीडियो वायरल हुआ है वहाँ पे लोग कुछ पल के लिए हंस तो रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते थे आप लोग, तो ठीक है, नहीं लिए वो अलग बात है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, आईडी है मिस्टर काउंट व्लॉग्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन घर पे रहो, सेफ रहो, और अगर बाइक लेके बाहर निकल रहे हो तो राइड सेफ, राइड हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।